ओके जी, नए साल की खुशी में यामा पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तानी आवाम के लिए एडवांस तोहफा दे दिया है नए साल का, अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाकर। अब कौन सी मोटरसाइकिल का कितना प्राइस बढ़ा है, पुराना प्राइस क्या था और कितना डिफरेंस आया है टोटल, ये सारी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो कम्प्लीट जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंसरॉक्स व्लॉग्स। मेरा नाम है दानिक वाले, खुश आमदीद कहता हूँ अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से चैनल पर। तो प्लीज़ यार गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि अगर वीडियो में जो कीमतें बताने वाला हूँ उसको सुन के वैसे ही आपका दिल खराब हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप यूट्यूब बंद कर दें। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए ताकि बाद में अगर आप भाग भी जाएँ तो मुझे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि टाइटल वगैरह से आप समझ गए होंगे कि यामा पाकिस्तान जो है अपनी कीमतें बढ़ाने वाला है, जो कि अप्लाई होने वाली है 4 जनवरी से। अब कौन सी मोटरसाइकिल की क्या कीमत बढ़ी है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यामा YB125Z, जो कि मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 ईयर से, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2 साल पहले इसका जो प्राइस था वो 1,73,000 रुपये है, बट अब रिसेंटली इस वक्त इसका जो प्राइस है वो है 2,93,500, बट 4 जनवरी के बाद ये प्राइस होने वाला है 3,05,500, और इसमें जो टोटल डिफरेंस आने वाला है वो है 12,000 रुपये का। और इस बाइक का जो रिव्यू है और मुकम्मल जितने भी मोटो ब्लॉग्स हैं वो सारे मेरे चैनल पर पड़े हैं, तो अगर इस बाइक में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यामा YB125Z DX की। DX मीन डीलेक्स, जो कि YBZ की टिप टॉप कापी है, बट ओनली 2 डिफरेंसेस, एक तो अलॉय रिम का और एक डिस्क ब्रेक का, ठीक है। तो इसका जो पुराना प्राइस था जो कि अब का प्राइस है वो है 3,14,500, बट इसका जो प्राइस 4 जनवरी के बाद होने वाला है वो होने वाला है 3,27,000 रुपया, और इसमें जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो है जी 12,500 रुपये का। ओके जी, अब बात करते हैं YBR125। ये YBR-G की बात नहीं कर रहा, ये YBR-Simple की बात कर रहा हूँ, जो कि वो थोड़ी सी स्टाइलिश हेड के साथ आता है। ये है जी 3,22,500 रुपये का इस वक्त, और 4 जनवरी के बाद इसकी प्राइस होने वाली है 3,36,000 रुपया, और इसमें जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो है 13,500 रुपये का, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यामा की मोस्ट टॉप ऑफ द लाइन मोटरसाइकिल मेरे मुताबिक, जो कि है यामा YBR125G, जिसका जो ओल्ड प्राइस है, जो कि अब का प्राइस है, वो है 3,36,000 रुपया, और 4 जनवरी के बाद इसका प्राइस होने वाला है 3,49,500। हो, अल्लाह ही माफ़ करे भाई साहब, 3,50,000 रुपए का हो चुका है YBR, सोच के ही रो कांप उठती है कि भाई इतने पैसे। ओके जी, अब बात करते हैं यामा की लास्ट मोटरसाइकिल, जो कि है यामा YBR125G, जो कि स्पेशल एडिशन के तौर पर लॉन्च की गई है, जिसमें सिर्फ स्पेशल एडिशन उसका कलर ही है और मैट डार्क ग्रे कलर में जो आती है। अब उसका जो पुराना प्राइस है वो था 3,39,000 रुपया, बट अब जो इसका नया प्राइस है वो है 3,52,500, और इसमें भी जो टोटल डिफरेंस आया हुआ है जी 13,500 रुपये का। तो खैर गाइज, यही कुछ प्राइजेस थी जो भी इंक्रीज़ होने वाली हैं 4 जनवरी के बाद से, और बट अगर अभी आप 4 जनवरी से पहले पहले कोई बाइक ख़रीद लेते हैं तो शायद आपको वही पुरानी प्राइस में ही मिलेंगी। बहरहाल, ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी ये डिसीजन मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। बाकी यामा YBZ, YBR वगैरह या जितनी भी ये मोटरसाइकिल्स हैं, इनकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट्स हैं, तो किसी भी अगर आप बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो अगर लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी खुशखबरी के साथ, इस तरह की बुरी खबरों के साथ नहीं। तब तक के लिए अदनान इकबाल विंसरॉक्स व्लॉग्स को टेम्परेरी इजाज़त दीजिए और यामा पाकिस्तान को पक्की पक्की खुदा हाफिज़ कहिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।